भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज एक नई घोषणा की है। सभी टीवी और ब्रॉडकास्टिंग चैनल को अब 30 मिनट के लिए जनहित प्रसारण अनिवार्य करना होगा। ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ 8 टिप्स दिए गए हैं या टॉपिक दिए गए हैं जिन पर उन्हें काम करना होगा, जिसमें शिक्षा से संबंधित, बाल शिक्षा से संबंधित, किसान एवं उनके कल्याण से संबंधित चीज़ों को दिखाना होगा, किसान के लिए हो रहे तकनीकी आविष्कारों के बारे में उन्हें बताना होगा, परिवार कल्याण के बारे में उन्हें बताना होगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ी सभी बातें जैसे कि उनके आविष्कार, उनमें हो रहे बदलाव या उनमें हो रहे विकास के बारे में इन्हें बतलाना होगा। विज्ञान से जुड़ी विदेशी बातें भी जो कि जनहित के लिए लाभदायक है उन्हें बताना होगा। महिला कल्याण से संबंधित जानकारियाँ उन्हें ब्रॉडकास्ट करनी होंगी। महिला से जुड़ी सभी बातें उन्हें 30 मिनट के दौरान बतानी होंगी। ये टॉपिक वो सप्ताह में समय समय पर बदल भी सकते हैं। उसके बाद भारत में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निम्न स्तरीय लोग हैं, उनके बेहतरी के लिए कुछ दिखाना होगा। उनके बारे में हो रहे सरकार के द्वारा उठाए गए कदम को उन्हें दिखाना होगा। उनके लिए कल्याणकारी चीज़ों को प्रसारण करना होगा। पर्यावरण और हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी विरासत जो है उन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ये उन्हें बताना होगा। हमारे भारत में हो रहे एकीकरण के बारे में जो चीज़ें की जा रही हैं, जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें दिखाना होगा। भारत कैसे एकता में अनेकता का देश है, इसका प्रसार उन्हें इन 30 मिनट में करना